नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाले, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों फलादेश शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं चंद्रमा और मकर लग्न की कुंडली के कुछ साधारण सी बातें आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। मकर लग्न के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव ने चंद्रमा को क्या दिया? शनिदेव ने चंद्रमा को सप्तम घर का स्वामित्व प्रदान किया। सप्तम घर का स्वामित्व प्राप्त होने के कारण चंद्रमा केंद्र के एक स्वामी ग्रह होते हैं और केंद्र में एक स्थान प्राप्त करने के कारण और सप्तम घर का स्वामी होने के कारण चंद्रमा यहाँ पर जो है वो सम ग्रह होते हैं, जो है न्यूट्रल प्लैनेट होते हैं। जिस घर में जैसे जाएंगे, जिस राशि में बैठेंगे, उस तरीके से आपको अच्छे बुरे फलों की प्राप्ति करवाते मिलेंगे। चंद्रमा जो है वो जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहाँ से सातवें घर को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ और नीच राशि वृश्चिक होती है। चंद्रमा चौथे घर में दिशा बली होते हैं। ये कुछ बातें मैंने चंद्रमा के बारे में आपको बताई। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे द्वारा बनाई गई मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव के फलादेश, देवगुरु बृहस्पति के फलादेश, मंगल देव के फलादेश, शुक्र देव के फलादेश, बुध देव के फलादेश की वीडियो अगर नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए, आपको कोई ना कोई नॉलेजेबल चीज वहां पर देखने को मिलेगी। शुरू करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें लेकर आएंगे। चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में विराजमान होंगे, सप्तम का स्वामी सप्तम में फर्स्ट हाउस में विराजमान है, तो यहाँ पर चंद्रमा लग्न में स्थित होने के कारण आपको एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति करवाएगा और आपको भी बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला बनाएगा। आपका मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है लेकिन देखने में आपको लुभावना यहाँ पर चंद्रमा बना देगा, गौर वर्ण दे देगा, आपकी वाणी अच्छी दे देगा, आपके अंदर एक पर्सनालिटी ऐसी दे देगा कि लोग आपको देख कर मोह जाए। निर्णय क्षमता यहाँ पर चंद्रमा कुछ हद तक आपको थोड़ा सा वैचारिक मतभेद देगा, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखिए चंद्रमा जो है वो एक चलित प्लेनेट है। आपके विचार जो है, आपके जो डिसीजन है वो बदलते रखेगा, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, ये चीज़ें यहाँ पर चंद्रमा आपको देने का काम करेगा। यहाँ पर चंद्रमा आपके जीवन साथी को भी आपके जैसा आकर्षक सुंदर व्यक्तित्व वाला बनाएगा और दाम्पत्य जीवन यहाँ पर चंद्रमा अच्छा बना कर रखेंगे। साझेदारी के काम से भी लाभ आपका देगा और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपको व्यापार में भी अच्छी चीज़ें और डेली इनकम सोर्स बहुत अच्छी चंद्रमा यहाँ पर देने वाले अपनी महादशा अंतर्दशा में। आप यहाँ पर इनका स्टोन मोती धारण कर सकते हैं। बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल प्रदान करेंगे। दूसरे घर में चंद्रमा आएंगे, कुंभ राशि के यहाँ पर चंद्रमा आएंगे और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आपके जब भी विवाह होगा, जब भी आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद, पत्नी आने के बाद या पति के आने के बाद, आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आपके जीवन में आपको जो है पैसों से संबंधित समस्याओं से निजात मिल जाएगी, क्योंकि धन का स्वामी जो है, सॉरी, आपके दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है वो धन भाव में बैठा हुआ है और इसको एक्टिव करने के लिए आपका विवाह होना जरूरी है। जब भी विवाह होगा आपके धन से संबंधित परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। परिवार में आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी और वाणी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। यहाँ पर वाणी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ये हो सकती है कि चंद्रमा आपको शेर व शायरी में निपुण बना दे, आप कोई गाना वगैरह इन तरीकों की चीज़ों में इन्वॉल्व हो या भजन वगैरह, इनमें भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं। रुकावटें यहाँ पर आपकी दूर हो जाएगी और सबसे बड़ी चीज़, चंद्रमा की महादशा में आपके हर काम अच्छे बनेंगे और चंद्रमा यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अष्टम घर पर दृष्टि दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका कुछ धन प्राप्ति का योग जो है वो शेयर मार्केट से भी बना सकते हैं, लॉटरी वगैरह जो होते हैं उनसे भी आपको प्राप्ति करवा सकते हैं। कुछ हद तक आपका ध्यान जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट या फिर ये समझ लीजिए कि तंत्र मंत्र की चीज़ों में भी होता है, तो वहाँ पर भी चंद्रमा आपको अच्छे फल प्राप्त करवा कर धन अच्छा प्राप्त करवा सकते हैं। बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस में चंद्रमा आएंगे तब आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। मीन राशि यहाँ पर आती है, चंद्रमा यहाँ पर आएंगे तो बहुत परिश्रम आपको करवाएंगे चंद्रमा। विवाह भी आपका बहुत ज़्यादा देरी से होगा, व्यापार सेटलमेंट भी बहुत ज़्यादा देरी से होगा, पार्टनरशिप का बिजनेस आपका चलेगा नहीं और
सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, दैनिक आय आपको जनरेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ प्राप्त होगी। परिश्रम के बाद भी आपका जो भाग्य है वो साथ देगा, लेकिन बहुत ही कम परिस्थितियों में आपको आपका भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी बहन का यह चंद्रमा यहाँ पर बना देते हैं, और एक चीज़ कहना चाहूँगा, धर्म से भी आपको विमुख कर देगा चंद्रमा, धर्म से दूरी देने का काम करेगा, पिता से अनबन देगा, विदेश यात्रा यहाँ पर चंद्रमा जो है वो करवाएगा, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल आपकी रह सकती है। बात करेंगे कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। चौथे घर में चंद्रमा आएंगे, दिशा बली स्थिति में चंद्रमा आता है। चंद्रमा की महादशा में जातक को माता भूमि मकान वाहन का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। माता से ऐसे व्यक्ति का अच्छा लगाव रहता है, कामकाज भी बहुत ही अच्छी स्थिति में व्यक्ति का चलता है। पत्नी के आने के बाद हर सुख सुविधाओं की वृद्धि हो जाती है, या पति के आने के बाद हर सुख सुविधाओं की वृद्धि व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। कार्य क्षेत्र भी व्यक्ति को स्टेबिलिटी में मिल जाता है, यहाँ पर चंद्रमा आपको अच्छे फल प्राप्त करवाता है। बात करेंगे पंचम घर में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। पंचम घर में चंद्रमा आएंगे, मन को अशांत करवा देते हैं, मन में कोई ना कोई इस व्यक्ति के विरोधाभास जीवन में रहता है। प्रेम विवाह का योग यहाँ पर चंद्रमा बना देंगे, क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश का संबंध यहाँ पर बन गया है। पुत्री प्राप्ति का योग बनाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पंचम में संतान घर में विराजमान है और पुत्री कारक ग्रह होते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध यहाँ पर अच्छे रहते हैं, व्यक्ति को जीवन में अच्छी तरक्कियाँ प्राप्त होती है, व्यक्ति को प्रॉफिट यहाँ पर जो है वो अच्छा गेन हो जाता है, और शादी के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रॉफिट बहुत अच्छा प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति को आय अच्छी प्राप्त होने लग जाती है। कुछ हद तक यहाँ पर अल्पकालिक व्याधियाँ यहाँ पर चंद्रमा आपको देने का काम करेगा, आपके पेट में कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियाँ देने का काम चंद्रमा करेगा, और आपको हायर एजुकेशन में भी चंद्रमा लेकर जाएगा, और यहाँ पर आपका ध्यान जो है वो लव अफेयर्स वगैरह में आपको चंद्रमा ज़्यादा रखेगा, और लव मैरिज का योग भी आपके यहाँ पर बना देगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एक मैं कहना चाहूँगा, चंद्रमा जो है अपने उच्च वृषभ राशि में आए हुए हैं, तो आपको उच्च के फल चंद्रमा यहाँ पर प्राप्त करवाने वाले हैं। और सबसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शुक्र और चंद्रमा का अगर संबंध बन गया तो जीवन में आप जो है बहुत ज़बरदस्त तरक्कियाँ करने वाले हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के छठे घर में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। छठे घर में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, सप्तम का स्वामी छठे में आया हुआ है, तो यहाँ पर चंद्रमा अपने शत्रु राशि में भी विराजमान होते हैं, मिथुन राशि में। छठे घर में होने की वजह से चंद्रमा आपके पत्नी में कोई ना कोई रोग देने का काम करेंगे, पत्नी को रोगी बनाएंगे, या फिर आपके पार्टनर जो भी होगा पति उसको भी रोगी बनाने का काम करेंगे। व्यापार में आपको परेशानियाँ मिलेगी, आपकी दैनिक आय आपको सही तरीके से प्राप्त नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज एक चीज कहना चाहूंगा, आप अगर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। कोर्ट केस, हॉस्पिटल के खर्चे व्यक्ति के लगे रहते हैं, दुर्घटना का भय व्यक्ति को जेल में रहता है, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे जो कम चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाती, ऐसे व्यक्ति को परेशानियाँ ज़्यादा मिलती है। रिजल्ट जो आने चाहिए कंपटीशन एग्जाम्स के उसके फेवर में बहुत कम आते हैं, और इससे व्यक्ति को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। विदेश सेटलमेंट का योग बनता है, लेकिन ध्यान रखिएगा विदेश यात्रा में आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है चंद्रमा। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसे दूर करने के लिए भी चंद्रमा मेहनत करवाएगा, मन खिन्न रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ कहना चाहूँगा, चंद्रमा की महादशा में दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता है। सप्तम घर से रिलेटेड एक चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, सप्तम का स्वामी छठे में आया हुआ है तो यहाँ पर एक नुकसान यह करेगा कि विवाह में देरी का काम भी चंद्रमा यहाँ पर करता है, लेकिन एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि जैसे ही आपका विवाह होगा, अगर आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी देने का काम चंद्रमा कर देगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी छठे में है और छठे को एक्टिव करने के लिए विवाह होना जरूरी है। जैसे ही सप्तम एक्टिव होगा छठे को भी एक्टिव करेगा और आपकी नौकरी लगा देगा, ये चीज़ यहाँ पर चंद्रमा आपको दे सकता है। बात करेंगे सप्तम घर में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। सप्तम में चंद्रमा अपनी स्वराशि में आते हैं तो यहाँ पर जातक जातिका का जीवन साथी सुंदर आकर्षक दिखने वाला होता है, दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का सुखी रहता है, साझेदारों से लाभ प्राप्ति के योग बनाता है, डेली इनकम सोर्स व्यक्ति की अच्छी होती है, और चंद्रमा जो है और सप्तम दृष्टि से आपको खुद को देख रहे आपको भी बहुत ही अच्छा सुंदर व्यक्तित्व वाला और अच्छे दिमाग अच्छे बोलने वाला बना देगा, अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व आपको दे देगा।
यहाँ का चंद्रमा बहुत अच्छा आपको फल देगा। बात करेंगे अष्टम घर में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। अष्टम घर में चंद्रमा आने की वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश आपके भरा हुआ रहेगा, डेली इनकम सोर्स में कमी, साझेदारी के काम में हानि के योग, बहुत ज्यादा आपको लॉस का योग बनेगा, जीवन साथी से कोई ना कोई परेशानियां आपको प्राप्त होती ही रहेगी, अपनी वाणी से आपके सारे काम बिगाड़ लेता है और यहाँ के चंद्र के अष्टम भाव में होने की वजह से जातक के हर काम में ऑब्स्टिकल्स जीवन में प्राप्त होते रहते हैं, हर काम में कोई ना कोई परेशानी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है, फिजूल का व्यय होता रहता है, परिवार का साथ व्यक्ति को जब मिलना चाहिए नहीं मिलता है, धन की हानि होती रहती है, ऐसे जातक को घर से दूर रहने के योग भी बनते हैं, धन का अभाव व्यक्ति को जीवन में बना रहता है, जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी जीवन में भोगना पड़ता है। और यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती इस व्यक्ति की, चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति के पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, माता को भी कष्ट होता है, जातक के मन की स्थिति दयनीय हो जाती है और किसी स्त्री की वजह से ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा लांछन भी जीवन में प्राप्त होता है। अष्टम का चंद्रमा है, कुछ अब तक आपको ज्योतिष शास्त्र तंत्र मंत्र की चीज़ों में भी इन्वॉल्व रख सकता है, शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वॉल्व रख सकता है, इन चीज़ों से भी आप कोई ना कोई नुकसान जीवन प्राप्त करेंगे। बात करेंगे नाइन्थ हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त कराते हैं। भाग्यस्थान में चंद्रमा आए हुए हैं, यहाँ चंद्रमा आपको अच्छे फल देंगे और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चंद्रमा यहाँ पर आए हुए हैं तो जैसे ही आपका विवाह होगा आपका भाग्य जग जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी पत्नी या पति का स्वामी आपके जो है वो नवम स्थान में है और जैसे ही पत्नी या पति का आपके जीवन में एंट्री होगी आपका भाग्य एक्टिव हो जाएगा, ये चीज आपको प्राप्त होगी, पिता से अच्छे संबंध बनेंगे। और सबसे अच्छी चीज मैं कहना चाहूंगा, व्यापार जो है पिता से रिलेटेड अगर आप करते हैं, पिता से जुड़कर आप कोई काम करते हैं तो आपको अच्छी चीजें प्राप्त होगी। छोटी बहन का योग यहाँ पर चंद्रमा बना देते हैं, चंद्रमा की महादशा में यहाँ पर चंद्रमा जो है आपको विदेश यात्रा या धार्मिक यात्रा भी करवाने का काम आपको जीवन में करवा सकता है। यहाँ पर लव अफेयर्स आपके चंद्रमा थोड़े ज्यादा ही देने का काम कर सकते हैं, लेकिन शुक्र की स्थिति उस टाइम पर आपको देखनी आवश्यक रहेगी। बात करेंगे कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। दशम स्थान में चंद्रमा आए हुए हैं, आपकी पत्नी या पति जो भी आपका लाइफ पार्टनर है वो या फिर बिजनेस करता होगा या जॉब करता होगा, या फिर ये हो सकता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेंस हो सकता है, आपको उनसे कोई कोई बड़ा बेनिफिट मिलने का योग बन सकता है। जातक का प्रोफेशनल बहुत ही अच्छी स्थिति में होता है, उत्तम स्थिति में होता है, विवाह होने के बाद और भी अच्छा उसको प्रोफेशनल लाइफ में एडवांटेज मिलने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी ऑब्स्टिकल्स प्राप्त होती है, मन व्यक्ति का खिन्न रहता है, जातक को मातृभूमि मकान व वाहन का जो सुख मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा की महादशा में जातक तरक्की करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके लिए सप्तम घर एक्टिव होना आवश्यक है, लेकिन विवाह होना या फिर कोई व्यापार छोटा मोटा करना आवश्यक होता है। प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को बहुत ही अच्छी चीजें प्राप्त होती है, प्रोफेशनल लाइफ चंद्रमा अच्छा करवा देते हैं इस व्यक्ति का। बात करेंगे कुंडली के इलेवंथ हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। इलेवंथ हाउस में चंद्रमा नीच राशि के आ जाते हैं और अपनी महादशा अंतरदशा में दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप और डेली इनकम सोर्स रिलेटेड हमेशा परेशानियां देंगे। आपका विवाह जो है प्रेम विवाह करवाएगा और उसको आपको डिवोर्स तक लेकर चला जाएगा, यह चीज भी चंद्रमा यहाँ पर दे देगा, बड़े भाई बहनों से कलह दे देगा, पेट में बीमारियां देने का काम करेगा और संतान से भी कष्ट देने का काम यहाँ पर चंद्रमा करेंगे। अचानक हानि होने का योग भी आपको चंद्रमा यहाँ पर बना देते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ससुराल पक्ष से दूरी भी आपको चंद्रमा दे देगा और पत्नी से कोई ना कोई आपको परेशानी यहाँ पर चंद्रमा हमेशा आपको देता रहेगा। हो सकता है आपको लगे कि पत्नी आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि जिसकी वजह से आपको वो परेशानी अच्छी चीज़ें जो है वो परेशानियों में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पर चंद्रमा अगर निचता भंग हो जाती है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाती है, मंगल इनके साथ हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और जो मैंने फल बताए हैं उससे भी बहुत ही अच्छे फल आपको प्राप्त होने वाले होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के द्वादश स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। द्वादश स्थान में चंद्रमा विराजमान है, यहाँ पर आपको जो है विवाह के बाद फॉरेन सेटलमेंट का योग बनाएगा या फिर विवाह के बाद विदेश यात्रा आपको करवाएगा चंद्रमा, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें आपको ध्यान रखना होगा कि धनु राशि आती है तो गुरुदेव बृहस्पति कहाँ स्थित है, अगर गुरु और चंद्रमा का अच्छा योग बन जाता है तो आपको अच्छी चीजें प्राप्त होगी। कोर्ट केस यहाँ पर आपको विवाह के बाद बनेगा या फिर हो सकता है आपके पत्नी के कारण या आपके पार्टनर के कारण आपको कोर्ट केस भी मिल जाए। दुर्घटना का भय रहता है व्यक्ति को, चंद्रमा की महादशा में व्यर्थ के खर्चे भी मिल जाते हैं,
जेल जाने के योग भी बनते हैं, कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे लगे रहते हैं और प्रतियोगिता कंपटीशन एग्जाम्स में हार देखने को मिलती है। विदेश यात्रा अगर व्यक्ति करता है तो विदेश यात्रा में उसे खर्च आमदनी से ज्यादा प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी चीज एक चीज कहूंगा, व्यक्ति के विवाह में देरी का योग भी बनता है और मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन में प्राप्त होता है। विवाह जो है इसे व्यक्ति का बहुत ही ज्यादा देरी से, या फिर विवाह जो है इसे व्यक्ति का वो विदेश में, या फिर समझ लीजिए कि अपने जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर ऐसे व्यक्ति का होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि चंद्रमा जो है कुंडली के अलग अलग भाव में विराजमान होकर आपको क्या फल प्राप्त करेगा। मकर लग्न वाला एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस कुंडली में चंद्रमा का स्टोन मोती, आप जो है चंद्रमा का स्टोन मोती तीसरे छठे आठवें बारहवें और नीच राशि के घर को छोड़कर कभी भी धारण कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा तीसरे छठे आठवें बारहवें और नीच राशि के घर में, तो आप इनका दान करें, इनकी चीजों का व्रत करें, आज जो है इनके मंत्र का जप करें, आपको अच्छी चीजें प्राप्त होगी। सफेद चीजों से आप दूरी बना कर रखें, आपको अच्छी चीजें प्राप्त होगी। अगर चंद्रमा यहाँ पर तीसरे छठे आठवें बारहवें नीच राशि के घर को छोड़कर अलग भाव विराजमान है, तो सफेद का उपयोग करें और जीवन में माता का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, आपको जीवन में अच्छी चीजें चंद्रमा देने वाले रहेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।